हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर फर्स्ट चैप्टर नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर। बट यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट इज़ नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, कोई भी थिंग हो, हम उन्हें नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें नाउन के काइंड्स के बारे में जानने हैं। बेटा देखना है कि नाउन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नाउन्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। नाउन के बहुत सारे काइंड्स हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर और प्लूरल नाउन, बेटा आप लोग को वन स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो, वन टू थर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग, कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। कोई भी चीज़ हमारी जब सिंगल हो तो हम उसे सिंगुलर बोलेंगे, और प्लूरल हो, मोर देन वन हो, मेनी हो, एक से ज़्यादा हो, तो वो हमारी प्लूरल कहलाती है। सेकेंड में हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन मीन्स जो मेल से बिलोंग करता हो, जो मेल लिविंग हो, इट मीन्स बॉय हो गया, बुल हो गया, ऑक्स हो गया। एंड फेमिनिन बिलोंग टू फीमेल, गर्ल हो गई, और काऊ हो गया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन थर्ड पॉइंट है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स, काउंट मीन्स होता है कि जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल मीन्स गिनने योग, जो हम गिन सकते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं। एंड अनकाउंटेबल मीन्स जिसे नहीं गिना जा सकता है। तो बेटा फॉर एग्जांपल, काउंटेबल में जैसे हमने काउंट कर लिया बुक कितनी है, कि कितनी चेयर्स है, कितनी टेबल्स है। अनकाउंटेबल में हमारा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। एंड पॉइंट नंबर फोर है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर और कॉमन नाउन। और इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर फाइव, कलेक्टिव नाउन। ओके, जो हमारा समूह में हो। सिक्स नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट मीन्स भाव वाचक संज्ञा, जिससे हमारी भाव प्रकट हो। तो आइए देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में। व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नाउन जिससे कोई वन पर्सन या वन थिंग को रेफर करता है। इट मीन्स मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि सिंगुलर नाउन की कोई भी मतलब पर्सन या कोई भी थिंग हो, हमारा वन हो तो, या सिंगल हो तो हमारी सिंगुलर नाउन कहलाती है। और नेक्स्ट है पॉइंट हमारा प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नाउन उसे कहते हैं जो मोर देन वन हो, यानी एक से ज़्यादा हो, मेनी हो, कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, तो उसे हम प्लूरल नाउन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन बुक थ्री द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। कैन यू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा आपने थर्ड की बुक में पढ़ा है कि प्लूरल के रूल पढ़े हैं, कि प्लूरल हम कैसे बनाते हैं सिंगुलर से। तो इसमें भी आप देखो, आप क्या खुद से बना सकते हो, सेल्फ से कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे ऑक्स है तो ये चेंज होता है, उसका जो मतलब रूल होता है, प्रोसेस होता है, ये चेंज होता है। तो ऑक्स को ऑक्सन होता है। जिस हमारा सिंगुलर के लास्ट में अगर वाई इंक्लूड होता है तो वाई को रिप्लेस करके आई एस लगाते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्लाइज हो जाएगा, फॉक्स का फॉक्सेज हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेज, बस का बसेज, उसी तरह सारे आपको करने हैं। ओके, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन। नेक्स्ट है हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन। व्हाट इज मैस्कुलिन नाउन। मैस्कुलिन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द मेल ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो मेल होते हैं उन्हीं को हम मैस्कुलिन नाउन कहते हैं, जैसे बॉय हो गया, बुल हो गया, मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट है हमारा फेमिनिन नाउन। फेमिनिन नाउन्स आर द नेम ऑफ फीमेल लिविंग थिंग्स। फीमेल लिविंग थिंग्स के नेम को फेमिनिन नाउन कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन बुक थ्री द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ द सम नाउन। आप क्लास थर्ड की बुक में पढ़ चुके हो, तो कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। कैन यू गिव द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्या आप इसका फेमिनिन फॉर्म लिख सकते हो। तो बेटा ये बहुत ईजी है, आप वन टू थ्री तीनों क्लासेस में आपने पढ़ा है, आप फोर्थ स्टैंडर्ड के हो। तो यहाँ पे सर का मैडम हो जाएगा, आप पढ़े हो किंग का क्वीन हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेज हो जाएगा। तो उसी तरह सारे आपको करने हैं, आप ये सेल्फ राइट करना। ओके,
सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं. वी कॉल देम नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर, और उन्हें ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं. नाउन में कॉमन मीन्स बेटा जो सामान्य हो, जो सारे में आए. जैसे कि एग्जाम्पल में है आपका बेबी. बेबी मीन्स होता है बच्चा या बच्ची. मेल और फीमेल दोनों इसमें आ गए हैं. चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स भी वही होगा सेम. प्यूपिल मीन्स शिष्ट, तो शिष्ट कोई भी हो सकता है. मतलब गर्ल में भी बॉय में भी. ओके, शिष्य शिष्य. यहाँ पे फ्रेंड हो गया, फ्रेंड हमारा कोई भी हो सकता है, या तो मेल या फीमेल. कज़न हो गया, कज़न में भी दोनों आएंगे. पर्सन में भी कोई भी आएंगे, दोनों आएंगे. एनिमी भी कोई हो सकता है. ऑर्फन में, ऑर्फन मीन्स अनाथ, गर्ल और बॉय दोनों आ सकते हैं. डॉक्टर भी गर्ल और बॉय दोनों होते हैं. मेल फीमेल. स्टूडेंट में भी मेल फीमेल. जैसे कि आप लोग क्लास में हो गर्ल बॉय, तो सारे को मिलकर ग्रुप में हम स्टूडेंट बोलते हैं. सर्वेंट में भी वही हो गया. नेबर मीन्स पड़ोसी, तो हमारे पास पड़ोस में सारे मेल और फीमेल सब रहते हैं. ओके, इन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. मैंने आपको अभी बताया ऊपर में कि काउंटेबल मीन्स जिसे काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली. यहाँ पे टेबल दिए गए हैं बड़े. यहाँ पे टू कॉलम्स है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन में है वी कैन काउंट देम, जिन्हें हम गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल वी कांट काउंट देम, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. लेट सी, देखिए क्या है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, क्या है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट में आपका काउंटेबल में है सिक्स डॉग. तो डॉग कितने हैं, सिक्स है. बेटा यहाँ पे इसका नंबरिंग कर दिया है. टेन नेप्स, टू जिप्स, फाइव कार्स, वन रोज, फोर फैंस, नाइन कप्स, थ्री जग्स, एट एक, सेवन हैंस, ट्वेल्व पेंस, थर्टीन कैट, फोर्टीन गन्स. तो ये सारे के बिफोर में आपका नंबरिंग कर दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ हमारी कितनी है. ओके, वी कैन यूज़ देम इन प्लूरल. हम इसे प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो 14 है मोर देन वन है, 13 है मोर देन वन है, 12 है मोर देन वन है, मेनी है. तो ये हमें इसे प्लूरल में भी काउंट कर सकते हैं. अब देखिए हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ऑयल है, इसे हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं. एयर को भी काउंट नहीं. बेटा एयर को हम देख ही नहीं सकते हैं, वी कांट सी, लेकिन हम फील कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं. आइस है, आइस को देखेंगे लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं. इंक है, टी है, साल्ट है, राइस है. ओके, ये सब हमारी क्या है, अनकाउंटेबल है. मिल्क, गोल्ड, स्टील, सोप, सैंड, सूप, वाटर, ये सब हमारे अनकाउंटेबल हैं. वी कांट यूज देम इन प्लूरल. अनकाउंटेबल को हम प्लूरल में काउंट कर ही नहीं सकते हैं. दे आर ऑलवेज इन द सिंगुलर. ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगल होते हैं. मतलब वाटर है, तो वाटर मीन्स पानी, तो सिर्फ पानी ही कहेंगे, तो ये हमारा सिंगल है, भले ही हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं. वी यूज ए और एन विद द सिंगुलर. सिंगुलर के साथ हम ए और ए का एन का यूज कर सकते हैं. अगर हमारे कॉन्स्टेंट साउंड से स्टार्ट है तो ए से आगे उसके बिफोर में ए ऐड करेंगे. अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट है तो एन करेंगे. वी कांट यूज ए और एन विद देम. तो प्लूरल में हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट में हमारा टेस्टी ऑफ सेल्फ है, और ये बहुत इजी है बेटा. आप लोग जैसे मैंने राइट किया है बुक में, फील किया है, बिल्कुल वैसे आप लोग करना. पुट सी फॉर ए काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन है तो सी काउंट वहाँ पे पुट करना है, फील करना है. एंड यू फॉर एन अनकाउंटेबल नाउन. अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे हमारा यू फील करना है. तो एयर क्या है, अनकाउंटेबल है तो यू फील करेंगे. आइस अनकाउंटेबल है, यू फील करेंगे. कार में सी करेंगे, डस्ट में यू करेंगे, डिस्ट में सी करेंगे, ट्री में सी करेंगे, राइस में यू करेंगे. मिल्क में यू, सूप में यू, शॉप में सी, ड्रेस में सी, फ्लोर में यू, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, आटे को काउंट नहीं कर सकते हैं. फ्लोर मीन्स आटा होगा. बॉटल काउंटेबल है तो सी होगा. हाउस काउंटेबल है, सी है. गार्लिक अनकाउंटेबल है तो यू करेंगे. स्ट्रीट काउंटेबल है, फ्रेंड काउंटेबल है, हाउस काउंटेबल. जैसे क्या कहते हो कि मेरे चार फ्रेंड हैं, मेरे दो फ्रेंड हैं, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं. हाउस को भी काउंट कर सकते हैं. म्यूजिक अनकाउंटेबल है, कॉफ़ी अनकाउंटेबल है, वेटर काउंटेबल है. ओके, फैमिली काउंटेबल है. जैसे हम बताते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर में इतने लोग हैं, हमारे हम चार भाई बहन हैं, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं. स्मोक, धुआं अनकाउंटेबल है, चीज़ होता है ये भी अनकाउंटेबल है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है,
पुट अ टिक करेक्ट और ए क्रॉस इन ईच बॉक्स. यहाँ पे बेटा जो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है उसको हमें क्या करना है, जो काउंटेबल है उसे हम वहाँ पे टिक करेंगे और जो अनकाउंटेबल है वहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे. तो जैसे मैंने यहाँ पे किया फर्स्ट वाले में ऑलरेडी आपका किया हुआ आइस टिक किया है, साल्ट है या अनकाउंटेबल है, बटर है, सोप है, ठीक है, ये सब जो हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल है यहाँ पे वैसे फिल कर लेंगे जैसे मैंने फिल किया है, आप लोग देख सकते हो. ओके प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, आइए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं. प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम फॉर पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन इसे कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर यानी विशेष पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग का नेम हो. अगर यहाँ से पर्टिकुलर हम लोग हटा देते हैं बेटा तो ओनली क्या होगा, हमारा ओनली नाउन होगा. सिर्फ पर्टिकुलर ऐड होने से ही वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल राजन, दिल्ली, इंडिया, हिमालयस, गंगा, गीता, ताज, ये हमारा विशेष है, पॉपुलर है ना. गंगा हमारी नदी जो है पॉपुलर है, गीता, ताजमहल पॉपुलर है, हिमालय पर्वत, इंडिया है, दिल्ली है, तो ये सब क्या है, जैसे गांधी जी हो गए, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा. ओके द नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज, बिल्डिंग, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, डेज ऑफ द वीक्स, मंथ्स ऑफ द ईयर, टाइटल्स ऑफ द बुक्स, फिल्म्स एंड प्लेस आर ऑल टू प्रॉपर नाउन. यहाँ पे आपको बताया गया है कि टाउन्स नेम, सिटीज नेम, कोई भी कंट्रीज नेम या बिल्डिंग नेम हो या माउंटेन नेम हो, रिवर्स नेम हो, समुद्र का नाम हो, ओशियन का, वीक नेम हो, मंथ्स नेम हो, टाइटल हो किसी भी बुक का, कोई भी फिल्म नेम हो, कोई भी प्ले हो, तो ये हमारे सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. बड़ा पॉइंट नोटेड कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन आर द नेम दैट कैन बी यूज फॉर ऑल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड. कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जो सभी पर्सन और थिंग जो सेम काइंड के हो, सेम कैटेगरी के हैं, उसके लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल है आपका मैन. मैन मीन्स होता है बेटा आदमी. इसमें सारे आदमी आ जाएंगे, जितने लोग हैं सारे आदमी आ जाएंगे. तो सेम मतलब जैसे कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि वो आदमी मतलब अगर उसकी पर्सनालिटी को ही ले लीजिए, कोई आदमी लंबा है, कोई शॉर्ट है, नाटा है, तो हम कहेंगे ये लंबा है, ये नाटा है, लेकिन है क्या, आदमी ही है. तो वो हमारे सारे क्या आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे, सामान्य है. बुक या इंग्लिश की बुक हो या साइंस की बुक है, ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की बुक हो, वो सारी क्या है, बुक है. ओके ट्री, कोई भी ट्री हो तो ट्री ही बोलेंगे. कोई भी फ्लावर हो, चाहे रोज हो, लोटस हो, लिली हो, तो फ्लावर ही बोलेंगे बेटा, इट इज सी. तो ये हमारे सारे किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे. नेक्स्ट है हमारा टेस्ट योर सेल्फ. तो राइट हेयर द नेम्स ऑफ एनी थ्री सिटीज के नेम लिखने बेटा, ये आपके लिए बहुत ईजी है. आप कोई भी तीन सिटीज़ के नाम लिख सकते हो, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई. थ्री रिवर है, गंगा, यमुना, कावेरी. थ्री कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, रसिया. थ्री फेमस मैन है, गांधी जी हैं, सरदार पटेल हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं. कलाम की स्पेलिंग KALAM कलाम, सरदार में SARDAR सरदार. ओके और थ्री फेमस बिल्डिंग है, ताज है, द रेड फोर्ट है, द मीनाक्षी टेम्पल है. सेकेंड है गिव द नेम्स ऑफ एनी. फाइव आर्टिकल्स ऑफ फूड है तो कुछ भी लिख सकते हैं, राइस है हमारा, चपाती है, रसम, सांभर, ये सैलेड है. सेकेंड में फाइव आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, शर्ट है, ट्राउजर, स्कर्ट, फ्रॉक, साड़ी. फाइव क्लासरूम ऑब्जेक्ट है, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, डेस्क. ओके कलेक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक, जो ग्रुप में हो. अब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिससे भाव प्रकट होता हो, फीलिंग्स जिससे आती हो. कलेक्टिव नाउन्स आर द नाउन्स यूज फॉर ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन या थिंग के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़. ग्रुप में है, समूह में है, तो कलेक्टिव नाउन है. अ फ्लॉक ऑफ शिप,
भेड़ों का झुंड, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, गुच्छे में अंगूर होता है, सॉरी अंगूर जो होता है गुच्छे में होता है, तो सब हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, की हो गया हमारा, तो ये सब क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। टेस्ट योर सेल्फ में बेटा है यहाँ पे। चूज अ सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर ईच ब्लैंक, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इसी बॉक्स में से हमें चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल किया, आप फिल कर सकते हो देख के। अ स्वार्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का झुंड। अ लीटर ऑफ पप्स, कूड़े का जो ढेर होता है भूसे का। अ बैग ऑफ नोट्स, नोट की जो बंडल होती है, गड्डी होती है। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ रो ऑफ हाउसेस, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हेड ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों का झुंड। अब आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द वर्ड्स दैट रिफर टू सम क्वालिटी, स्टेट और एक्टिविटी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो क्वालिटी को, गुड को, स्टेट यानी जिसकी कंडीशन है, दशा है, या एक्टिविटी जो कर रहा है उसको दर्शाता हो, उसको शो करता हो। जैसे कि ब्यूटी, अगर कोई भी लड़की बेटा ब्यूटीफुल है या कोई भी चीज़, तो हम कहेंगे कि ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पे हमारे ब्यूटी का, ब्यूटी की फीलिंग्स आ रही है, या कोई भी सीन है ब्यूटीफुल है तो बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये हमारी फीलिंग आ रही है ब्यूटी वाली, या फिर करेज है, साहस का, फियर है, डर का, जॉय। अगर मान लो कि किसी प्लेस पे हम गए, मतलब उस प्लेस पे कभी जाते नहीं हैं, हॉन्टेड प्लेस है, तो देख के डर गए, तो फियर वाली फीलिंग आ गई। जॉय है, लॉफ्टर है, हंसी का, थेफ्ट है, साइलेंस है, चुप्पी का, ईटीसी। ये सब हमारी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म सम वर्ड्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे रन है तो रेस है दौड़ने का, यंग है यंग का, यूथ है युवा, थीफ का थेफ्ट है, पुअर का हमारा क्या है, पॉवर्टी है। पुअर मीन्स गरीब, पॉवर्टी मीन्स गरीब, थीफ मीन्स चोर, थेफ्ट मीन्स चोरी। ओके बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, और बाकी की एक्सरसाइजेज हैं आप बुक में फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।